हेलो दोस्तों, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल अंकित डीटी टेली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि दोस्तों एंट्री करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और उनके बिना अपनी एंट्रीज में काफ़ी सारी गलती हो सकती है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पर दोस्तों अपनी सारी अकाउंटिंग टिकी हुई है और उसी के बेसिस पर अपन सारी एंट्रीज को करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन सारे गोल्डन रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स और उसका लेखांकन अपन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, पहले अकाउंटिंग को सिंगल एंट्री मेथड से किया जाता था और अभी अकाउंटिंग को डबल एंट्री मोड से किया जाता है। डबल एंट्री मेथड से दोस्तों जब अपन अकाउंटिंग को करते हैं तो अपने सामने गोल्डन रूल्स अप्लाई होते हैं और उनको अपन कैसे अप्लाई करते हैं वो इस वीडियो में अभी अपन बात कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है जिसकी अपन बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला दोस्तों अपना होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है रियल अकाउंट और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसमें पर्सनल अकाउंट बोलते हैं व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट वास्तविक खाते और नॉमिनल अकाउंट नाममात्र के खाते। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं दोस्तों? पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन या फिर किसी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, इन सभी को रिप्रेजेंट जो भी अकाउंट करते हैं उनको अपन बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे दोस्तों अपन यहाँ मान लेते हैं रोहन अकाउंट, तो रोहन दोस्तों एक पर्सन है तो ये एक पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है। वहीं अपन एक फर्म की बात कर लेते हैं तो मान लीजिए एके एंड सन्स ये एक फर्म है तो ये भी अपनी पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगी। अपन किसी कंपनी की बात कर लेते हैं तो हम मान लीजिए टाटा लिमिटेड ये एक कंपनी है जो पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगी। उसी के साथ अपन मान लीजिए बैंक अकाउंट को कर लेते हैं तो ये भी अपना एक पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट दोस्तों अपना है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो किसी भी असेट्स को रिप्रेजेंट करता है उसको अपन बोलते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में दोस्तों जैसे अपना केस आ गया, गुड्स आ गया, फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गई और उसी के साथ दोस्तों जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब की भी अपन अकाउंटिंग करते हैं तो ये भी दोस्तों अपने रियल अकाउंट के अंडर में ही आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में अपन बात कर लेते हैं जहाँ इनकम और एक्सपेंसेज को रिकॉर्ड किया जाता है और ड्यूरिंग द ईयर जो भी अपन को प्रॉफिट और लॉस होता है वहाँ अपन नॉमिनल अकाउंट को ही यूज करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं नॉमिनल अकाउंट में अपन रिकॉर्ड करते हैं सैलरी, वेजेज, रेंट, कमीशन, जो भी अपने इनकम के सोर्सेज होते हैं जैसे सेल, परचेज या फिर जो एक्सपेंसेज के होते हैं उन सबको अपन नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं इनके रूल्स की, कि इनके रूल क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से अप्लाई होते हैं और कैसे अपन उसको करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपनी बात आती है व्यक्तिगत खातों के लिए यानी कि पर्सनल अकाउंट के लिए। पाने वाले के खाते को नाम करें और देने वाले के खाते को जमा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ नाम और जमा से मतलब है, दोस्तों नाम बोलते हैं डेबिट को और जमा बोलते हैं क्रेडिट को। अब दोस्तों आप तो डेबिट और क्रेडिट ही याद रख लीजिएगा जो आपके लिए इजी होगा, नाम और जमा के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। तो यहाँ दोस्तों अपना होता है डेबिट द अकाउंट ऑफ रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले के खातों को डेबिट किया जाता है और देने वाले के खाते को क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट अपना आता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में जो आने वाली वस्तु है उसको अपन डेबिट करते हैं और जो वस्तु जाने वाली है उसको अपन क्रेडिट खाते में करते हैं। तो यहाँ अपना गोल्डन रूल होता है डेबिट द अकाउंट ऑफ व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोड आउट, यानी कि जो वस्तु अपने पास आती है उसको डेबिट कीजिए, जो अपने पास से जाती है उसको क्रेडिट कीजिए। अभी दोस्तों अपन इनके एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब थर्ड अपना अकाउंट आता है नॉमिनल अकाउंट, नामात्र के खाते। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, यानी कि दोस्तों समस्त खर्चों व हानियों को डेबिट किया जाता है और उसी के साथ आमदनी और जो भी अपन को लाभ होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये सारे आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब इनकी अपन एक एक एग्जाम्पल लेके सारों की बातें करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर अपन एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का। अपना एग्जाम्पल है परचेज गुड्स फ्रॉम अंकित, अंकित से माल खरीदा। अब दोस्तों यहाँ अंकित का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये उधार माल अपन ने परचेज किया है।
अगर दोस्तों यहाँ अपन कैश में माल को परचेज करते हैं तो यहाँ जिससे भी अपन माल परचेज करते हैं उसका यहाँ पर नाम भी नहीं आता है। तो यहाँ अपन ने गुड्स को परचेज किया है अंकित से, तो नॉर्मल दोस्तों जो स्टूडेंट कॉमर्स से हैं वो आसानी से इसकी एंट्री कर सकते हैं। इसकी नॉर्मल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट। अब लेकिन दोस्तों समझने की बात ये है कि परचेज को डेबिट क्यों किया और अंकित को क्रेडिट क्यों किया, यही दोस्तों गोल्डन रूल में समझने की बात है, तो ये अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं अपन ने परचेज क्या किया है। गुड्स को अपन ने परचेज किया है, गुड्स दोस्तों अपना रियल अकाउंट के अंडर में आता है। कैश, गुड्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब को अपन रियल अकाउंट के अंडर में लेते हैं। और रियल अकाउंट का अपना गोल्डन रूल होता है आने वाली वस्तु को हमेशा डेबिट करते हैं और जो वस्तु हमसे जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो अपन परचेज कर रहे हैं तो अपने पास गुड्स आएगा तो उसको अपन डेबिट करेंगे, तो यहाँ अपना हो गया परचेज अकाउंट डेबिट। टू में अपन कर रहे हैं अंकित, तो ये दोस्तों एक पर्सनल अकाउंट है अंकित, तो पर्सनल अकाउंट में पाने वाले के खाते को तो नाम करते हैं यानी कि डेबिट करते हैं और जो देने वाला होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो अंकित से अपन ले रहे हैं तो अंकित तो देने वाला है तो इसको अपन यहाँ से क्रेडिट कर देंगे, तो अपनी एंट्री यहाँ पर होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में अपना एग्जाम्पल है कैश परचेज, यानी कि अपन ने कैश परचेज किया है, तो दोस्तों इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का तो सेम प्रीवियस वीडियो में जैसे आपको बताया था, गुड्स अपन परचेज करते हैं, गुड्स एक रियल अकाउंट है और जो वस्तु अपने पास आती है उसको अपन डेबिट कर देते हैं। तो गुड्स अपने पास आ रहा है क्योंकि अपन परचेज कर रहे हैं तो इसको अपन डेबिट कर देते हैं, और उसी के साथ अपन कैश में इसको परचेज कर रहे हैं तो कैश को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। कैश भी दोस्तों अपना रियल अकाउंट के अंडर में आता है, तो जो वस्तु अपन से जाती है यानी कि कैश अपन से जा रहा है तो उसको यहाँ से क्रेडिट कर देंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कैश सेल करते हैं, तो सेल करते हैं तो दोस्तों कैश अपने पास आएगा, तो कैश भी रियल अकाउंट में है और अपन जो गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स भी अपना रियल अकाउंट में है, तो जो वस्तु अपने पास आती है यानी कि कैश आ रही है तो उसको डेबिट कर देंगे, जो वस्तु अपने पास से जा रही है यानी कि गुड्स अपने पास से जा रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर देंगे। नॉर्मली अपनी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब लास्ट दोस्तों अपने पास आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में दोस्तों अपन सैलरी, वेजेज, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, इन सब को अपन नॉमिनल अकाउंट के अंडर में लेते हैं, और इसका गोल्डन रूल होता है समस्त खर्चों और हानियों को यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को अपन डेबिट करते हैं और ऑल इनकम और प्रॉफिट यानी कि अपने आमदनी और लाभों को क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं वेजेज पेड, अपन ने वेजेज को पे किया है, तो सबसे पहले अगर अपन वेजेज को पे कर रहे हैं तो ये अपना एक प्रकार का एक्सपेंसेज है, तो ऑल एक्सपेंसेज और लॉसेज को अपन डेबिट करते हैं तो वेजेज को कर देंगे डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट टू। अपन कैश में इसको पे कर रहे हैं तो दोस्तों कैश अपना रियल अकाउंट के अंडर में आता है, तो रियल अकाउंट में जो वस्तु अपने से जाती है उसको अपन क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ अपना हो गया टू कैश। ऑल एंट्री यानी कि पूरी एंट्री अपनी हो गई वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसी के साथ दोस्तों मान लीजिए अपन को कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, तो कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो सबसे पहले अपनी आमदनी हो रही है यानी कि कैश अपने पास आ रहा है, तो जो वस्तु अपने पास आ रही है उसको सबसे पहले अपन डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और टू में अपना आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि दोस्तों कमीशन एक प्रकार का अपना प्रॉफिट है और नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आता है, तो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में अपना कमीशन आता है, तो नॉमिनल अकाउंट का अपना गोल्डन रूल होता है ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, तो ये अपनी एक प्रकार की इनकम है तो इसको यहाँ से क्रेडिट कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारे गोल्डन रूल्स आसानी से समझ में आ गए होंगे और आप आसानी से नॉर्मल एंट्री कर भी सकते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के हम रिप्लाई देंगे। साथ ही दोस्तों ये टेली प्राइम का बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स है और इसमें अपना स्टेप बाय स्टेप सारा कोर्स चलने वाला है, तो आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। और आपको दोस्तों इस बताए गए गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने एंट्रीज कर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछेगा ताकि आपको आगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।